आई एम नरेंद्र कुमार शर्मा, आई एम स्टार्टिंग वीडियो नंबर 3 ऑफ चैप्टर 3. दिस इज द रिमेनिंग पार्ट. फाइबर टू फैब्रिक, अर्थात इस टॉपिक में हमें पढ़ेंगे कि फाइबर से फैब्रिक या क्लोथ कैसे तैयार किया जाता है. इस प्रोसेस के बारे में स्टडी करेंगे कि फाइबर से फैब्रिक और एक क्लोथ कैसे तैयार किए जाते हैं. द फोर्थ टॉपिक ऑफ चैप्टर 3 इज स्पिनिंग ऑफ कॉटन यार्न. स्पिनिंग का मतलब होता है कताई, कॉटन की कताई और इससे धागा प्राप्त करना, स्पिनिंग कॉटन यार्न. अब बच्चों किस तरह से फाइबर के बारे में तो हमने सुना है. द प्रोसेस ऑफ मेकिंग यार्न फ्रॉम फाइबर इज कॉल्ड स्पिनिंग. बात ये स्पिनिंग क्या है, अर्थात फाइबर से यार्न प्राप्त करना. मैंने कहा था छोटे छोटे जो स्ट्रेन है, टेनियस्ट स्ट्रेन, उनको मिलाकर के यार्न तैयार किया जाता है. और बच्चों इस प्रोसेस का नाम है स्पिनिंग. सबसे पहले स्पिनिंग की बात समझना जरूरी है कि स्पिनिंग होता क्या है. द प्रोसेस ऑफ मेकिंग यार्न फ्रॉम फाइबर इज कॉल्ड. In olden days, in ancient time, this was done by takli or charkha. Takli, yes. ये छोटी छोटी क्लासों में इन्वॉल्व थी. बच्चों को ये वर्क करना होता था. ये आयरन रॉड है, ये पॉइंटेड एंड है इसका. ये अपने हैंड से हम मास ऑफ कॉटन लेते हैं, यहां टच करके और इसको घुमाया जाता है, एक हाथ से इसको पकड़ा जाता है और खींचा जाता है. इससे क्या होगा कि फाइबर आपस में जॉइंट होते हैं और क्या बनाते हैं, यार्न. बड़े स्केल पर उस समय जब महात्मा गांधी ने यह सिस्टम चलाया था खादी वस्त्र का, उस समय चरखे का भी इन्वेंशन किया गया. दिस वाज द चरखा. हमने भी देखा था, ये भी देखा था. इसमें क्या था कि ये एक व्हील था, यहां पर ये वाली आयरन रॉड थी, पॉइंटेड थे दोनों एंड, और यहां पर कोई कॉटन धागा बड़ा लेकर के यहां जब इसको चलाते थे, हैंडल था यहां पर, तो ये वाली आयरन रॉड भी घूमती थी. फिर इससे क्या होता था कि हम मास ऑफ कॉटन लेकर के इससे टच कराते थे और इसको चलाते रहते थे, हल्का हल्का था, और इसको खींचते खींचते दूर ले जाते थे. तो इससे क्या है, जो रेस है वो आपस में मिलते थे बच्चों, जैसे इस तरह से मिलते थे, जैसे हम खींचते चले जाते थे, तो यार्न बनता था इस तरह से. तो यार्न कैसे, फाइबर फ्रॉम ए मास ऑफ कॉटन, फाइबर फ्रॉम मास, यानी कॉटन के मास से जो रेसे थे वो ड्रोन आउट, उन्हें खींचा जाता था एंड ट्विस्टेड, और उन्हें ट्विस्ट किया जाता था, समझे नहीं, मिलाया जाता आपस में. दिस प्रोसेस ऑफ फाइबर टूगेदर टू फॉर्म ए यार्न, और इससे धागा बन जाता था. चाहे तकली से धागा बनाए, चाहे बच्चों इस चरखे से धागा बनाए, धागा बनाने वाली प्रोसेस थी. तो इस वाले पॉइंट में हमने ये देखा कि स्पिनिंग ऑफ कॉटन यार्न, कि कैसे कताई करके यार्न तैयार किया जाता, धागा तैयार किया जाता. हालांकि बहुत छोटे स्केल पर था, लेकिन उस समय ब्रिटेन गवर्नमेंट से जो इंपोर्ट किया जाता था बना हुआ क्लोथ, उसे बंद करना था. इसलिए भारत में ही ऐसे सिस्टम बनाए गए, लोग अपने घरों में एक तरह से यार्न तैयार करें. यार्न तैयार हो गया, धागा तैयार हो गया, थ्रेड तैयार हो गया. अब नेक्स्ट पॉइंट 5 में यार्न टू फैब्रिक, धागे से वस्त्र कैसे बनाए, धागे से वस्त्र. तो बच्चों इसे बनाने के लिए, यानी कि यार्न टू फैब्रिक के लिए दो मेथड थे हमारे पास. एक तो वीविंग था और एक था नीटिंग. वीविंग में हमें दो स्ट्रेन चाहिए थे,
दो धागे चाहिए थे, दो यार्न चाहिए थे, और निटिंग के लिए केवल सिंगल यार्न चाहिए था। तो वीविंग में द प्रोसेस ऑफ अरेंजिंग टू सेट ऑफ यार्न, टू यार्न के सेटों को व्यवस्थित करना था आपस में टू मेक द फैब्रिक, वस्त्र बनाने के लिए, इज कॉल्ड है इज कॉल्ड यार्न टू फैब्रिक। और ये लूम के थ्रू किया जाता था, और लूम हैंड ड्रिवन भी थी और पावर ड्रिवन थी भी। बच्चों ऐसे ही निटिंग में आ जाइए, जिसे बुनाई कहते हैं। स्वेटर बुनते हो देखा होगा आपने लेडीज को, उसमें क्या एक ही सिंगल यार्न यूज होता है, इसमें दो यार्न यूज होते हैं, इसमें निटिंग में केवल सिंगल यार्न यूटिलाइज होता है बच्चों, उपयोग किया जाता है कोई भी फैब्रिक बनाने के लिए। जैसे स्वेटर, यदि स्वेटर के धागे को आप उधेड़ते चले जाएं, स्वेटर के धागे को यदि आप उधेड़े तो आपको सिंगल यार्न ही प्राप्त होगा। तो सिंगल यार्न गेट पुल्ड आउट कंटिन्यूसली, यदि उसको लगातार खींचा चला जाए, एज द फैब्रिक गेट अनरेवल्ड, और जो ये हमारा वस्त्र है वो अनरेवल्ड हो जाएगा, अर्थात फिर उसे धागा पुनः प्राप्त किया जा सकता है, उधेड़ना आसान है उसको। तो सिंपल ए सिंगल यार्न मेक स्वेटर, एक सिंगल यार्न से स्वेटर बनता है, और इस टाइप के प्रोसेस का नाम क्या है, निटिंग। तो आप समझ गए होंगे निटिंग क्या है, वीविंग क्या है। दिस इज द एंड ऑफ माय वीडियो, नेक्स्ट आई विल डिस्कस नेक्स्ट टाइम। थैंक यू।